दोस्तों डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है, कैसे डिस्प्ले के अंदर से हमारी फिंगर स्कैन कर ली जाती है, ये एक सोचने वाली बात है कि ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में तीन तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज होता है, कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होता है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट का। ये फिंगरप्रिंट मैक्सिमम फोन्स के बैक साइड में लगा होता है। फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी हमें आज एक नॉर्मल चीज लगती है, पर इसके पीछे काम कर रही टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की है। दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा जो फिंगरप्रिंट सबसे एडवांस लगता है, और इसको देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आज हर कोई यूज कर रहा है, जो हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे ये आज बन चुकी है और कोई भी इसको चला सकता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत ही कमाल की चीज है, जो फोन को काफी ज्यादा एडवांस बना देती है। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है? दोस्तों इसमें यूज होता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट एक कैमरे की तरह ही काम करता है। जब आप अपनी उंगली को डिस्प्ले पर रखते हैं लॉक खोलने के लिए, तो आपकी उंगली के नीचे एक ब्राइट लाइट चमकती है, जिसे आपकी उंगली का एक फोटो कैप्चर कर लिया जाता है। बाद में एक लाइट सेंसिटिव माइक्रोचिप से उसको डिजिटल इमेज यानी 0 और 1 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यही 0 और 1 आपके पर्सनल कोड बनते हैं, जो फोन की मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। दोस्तों इसमें 0 और 1 हमारी उंगली के वही साइन है जिन्हें हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये एक चिप से 0 और 1 में बदल जाते हैं। और यदि आप 0 और 1 में कंफ्यूज हो, दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है यानी करंट, और इनको स्टोर कर लिया जाता है। इन फिंगरप्रिंट को वैली और रिज भी कहा जाता है। जब आप फोन के लॉक खोलने के लिए अपनी उंगली को डिस्प्ले पर रखते हो, तो फोन में मैचिंग करने की प्रोसेस चल रही होती है आपके प्रेजेंट के फिंगरप्रिंट की पहले स्टोर किए गए फिंगरप्रिंट से। और जब ये दोनों मैचिंग हो जाती है तो लॉक खुल जाता है, अगर मैचिंग नहीं होती तो लॉक नहीं खुलता है। पर अब सोचने वाली बात ये है कि ये सब डिस्प्ले के आर पार कैसे पॉसिबल हो पाता है, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे देखता है आपके फिंगरप्रिंट को, वो भी एक डिस्प्ले के आर पार। दोस्तों अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट केवल और केवल काम करता है MOLED डिस्प्ले और OLED डिस्प्ले में, क्योंकि इन डिस्प्ले में कोई बैकलाइट नहीं होती, यानी इन डिस्प्लेज में अपने हर एक पिक्सल की खुद की LED होती है। इसलिए इसमें वो ही पिक्सल ऑन होते हैं जिससे इमेज बनती है। इन पिक्सल्स के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप का यूज करके अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अपना काम कर लेता है। ये बात लगती तो इम्पॉसिबल सी है, पर ये पॉसिबल ही है। ये सब काम होता है माइक्रो लेवल पर, जो एक अमेजिंग प्रोसेस है। जब आप देखोगे कि ये सेंसर आपको डिस्प्ले के बिल्कुल अपोजिट और बहुत ही पास में मिलेगा। कमाल की बात तो ये है कि आज ये सब टेक्नोलॉजी इतनी आसान और नॉर्मल दिखती है, जिनका यूज हम आसानी से कर लेते हैं। अब रहते हैं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर। इनकी काम करने की प्रोसेस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और डीपली समझा जाए तो ये सब इलेक्ट्रिक करंट का ही फंडा है, जिसके अलग अलग मैकेनिज्म से हम ये सब बना पाए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो हमें सपोर्ट कीजिए, यानी लाइक और कमेंट करके आप सब मेरा बिलीव बढ़ा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।